तो वी हैव स्टडीड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्टडी हमने कर लिया है. अपार्ट फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने अभी तक देखी? द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर फोर ब्रेन आर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल ग्लैंड, देन ऑन द ट्रकिया, थायरॉइड. On the dorsal side of thyroid there is parathyroid. Then near heart there is thymus gland. Then above kidneys, adrenal gland. Then near our stomach, pancreas, which is a leaf-shaped gland, pancreas. Then we have seen gonads. Testes in males, ovaries in female, gonads. And lastly, apart from these glands, there are some parts in our body, कुछ organs हैं हमारे body के जो endocrine glands करके function करते हैं. ठीक है, इनमें endocrine glands नहीं होती, cells होते हैं. जैसे heart है, तो हार्ट में एंडोक्राइन सेल्स है, ग्लैंड्स नहीं है, एंडोक्राइन सेल्स. और ये सेल्स सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स, एक हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं. हार्ट भी हमारा एक हॉर्मोन सिक्रीट करता है एंड नेम ऑफ दैट हॉर्मोन इज ANF. ओके, फुल फॉर्म हम बाद में देखेंगे. सो ये तो स्पेसिफिकली दिख रहा है तुमको कि ये ग्लैंड्स है, एक दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज दिख रही है कि ये ग्लैंड है और ये कुछ हार्मोन सिक्रेट करेगी, राइट. बट अपार्ट फ्रॉम दीज ग्लैंड्स, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं. ऑल्दो वो हार्मोन्स का अमाउंट कम होता है बट इम्पॉर्टेंट है वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए. सो लेट अस सी हार्मोन ऑफ हार्ट विच इज ANF. ANF नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है हार्ट. इसका फुल फॉर्म है एट्रियल. हमको पता है ना एट्रियम जो है वो हार्ट का पार्ट है. हार्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, या फिर फोर सेक्शंस बोलो, या फिर फोर लोब्स बोलो. अपर लोब्स एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड लोअर आर वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो फोर सेक्शन है हार्ट के. तो ये वाला जो पार्ट है जिसको एट्रियम बोलते हैं, इसका हार्मोन है ये. ठीक है, दिस सो दिस अपर पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज एट्रियम एंड दिस पार्ट सिक्रीट्स, ये वाला जो पार्ट है ना ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है ANF, एट्रियल नैट्रेयूरेटिक, नैट्रेयूरेटिक एफर फैक्टर. ये हार्ट का हार्मोन है, एट्रियल नैट्रेयूरेटिक फैक्टर ANF. सो हार्ट ब्लड को पंप करता है ये पता था, हार्ट वर्क्स एज अ पंप, बट हार्ट हार्मोन भी सिक्रीट करता है. तो मुझे बताओ अगर कोई एक पर्सन है उसके बॉडी में अगर आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया, इमेजिन करो आर्टिफिशियल हार्ट, सो आर्टिफिशियल हार्ट हार्ट का तो कम कर देगा, पंपिंग ऑफ ब्लड कर देगा, राइट. बट वॉट अबाउट द हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन की तो कमी रहेगी ना उसके बॉडी में अगर आर्टिफिशियल हार्ट भी लगाया तो, राइट. सो आर्टिफिशियल हार्ट लगा सकते हैं क्या? नहीं. किसी और पर्सन का हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मतलब ये हार्ट निकाल के जो हेल्दी हार्ट है उसको हम लगा सकते हैं. बट एक मशीन सॉर्ट ऑफ पंप भी तो है, तो पंप एक पंपिंग मशीन यहाँ लगा दो, हार्ट तो पंप ही करता है ना ब्लड को, राइट. सर्क्यूलेट ही करता है ना ब्लड को, यहाँ से ब्लड यहाँ एंटर होता है, यहाँ से यहाँ एंटर होता है लंग्स में से, और लंग्स में से यहाँ पे आके फिर बॉडी में जाता है. तो पंप भी है तो आर्टिफिशियल मशीन में तो लगा सकते हैं ना, वाई नीड ऑफ हार्ट, हार्ट की जगह एक पंप लगा दो. तो वो पंप लेकिन फिर एक ही काम करेगा, क्या काम करेगा? टू पंप द ब्लड. बट वो पंप जो हमने मशीन लगाई है वो हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता, मशीन कोई हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर सकती, वो हार्मोन सिर्फ हार्ट के सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, तो हार्ट भी थोड़ा बहुत एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा काम करता है.
हार्ट का ड्यूअल काम है, पंपिंग ऑफ ब्लड और एंडोक्राइन ग्लैंड करके भी काम कर रहा है राइट हमारे बॉडी में. सेम थिंग अप्लाइज टू किडनी. किडनी का काम क्या है बताओ? किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, यूरिन हमारे बॉडी से यूरिन निकाल देती है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो हमारे बॉडी से निकाल देती है किडनी. बट किडनी भी एक हार्मोन सिक्रेट करती है ठीक है. तो किडनी अगर आपने मशीन वाली किडनी लगा दिए, फिल्टर ही तो है, तो एक जाली लगा दो ब्लड को फिल्टर करने वाली, ब्लड फिल्टर हो जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट निकल जाएगा, यूरिन निकल जाएगी. बट वॉट अबाउट द हार्मोन? मशीन हार्मोन सिक्रेट नहीं करती ना. तो अगर किडनी किसी पर्सन की खराब है तो उसको निकाल के रिप्लेस दूसरे पर्सन की किडनी लगानी पड़ेगी, कोई मशीन नहीं लगेगी वहां पे राइट. तो ऑर्गन के बदले ऑर्गन, ऑर्गन के बदले मशीन नहीं लगा सकते हमारे बॉडी में क्लियर. क्योंकि हार्ट और किडनी, हार्ट सिर्फ पंपिंग ऑफ ब्लड या फिर किडनी फिल्टरिंग ऑफ ब्लड नहीं कर रहा है, हार्ट और किडनी दोनों हॉर्मोन्स भी सिक्रीट कर रहे हैं राइट. देयरफॉर इनकी जगह कोई मशीन नहीं ले सकती है राइट. सो हार्ट का हार्मोन ANF, राइट डाउन दिस, आई वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. हार्मोन्स ऑफ हार्ट, सो हार्ट का दिस पार्ट, स्पेशली दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एट्रियम. अब ये जो एट्रियम है इसके सेल्स, कुछ सेल्स एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन. दिस सेल्स सिक्रीट हार्मोन, क्या नाम बताया? एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, ANF नाम का हार्मोन ये सिक्रेट करते हैं ये सेल्स ठीक है. अब ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन है वेजोडाइलेटर. ये जो ANF है ना ये वेजोडाइलेटर है. थोड़ा सा लॉजिक अलग हो, अभी तक हमने जो पढ़ा उसपे वेजो का मतलब क्या, मैंने अभी दो तीन दिन पहले बताया ब्लड वेसल्स, वेजो मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स. और डायलेटर, डायलेट करना मतलब ऐसी वेसल है उसको डायलेट करना, लुमेन बढ़ाना. तो ये जो ANF है, सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, ये हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है. ये ऐसी थी अब ऐसी हो गई, ऐसी हो गई मतलब डायलेट हो गई, लूमेन इसका बड़ा हो गया. अब क्या होगा? ब्लड वेसल के डायलेट होने से क्या होगा? ब्लड विल फ्लो स्लोली, स्लोली फ्लो होगा ना, लूमेन बढ़ गया ना, ब्लड वेसल बड़ी हो गई तो ब्लड स्लो स्लो, तो बीपी का क्या होगा? ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा. तो जब भी हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई होना है तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है याद करो, बाद में लिखो. बीपी हाई, बीपी हाई के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा हार्मोन जो ब्लड वेसल को क्या करता है, प्रेस करता है. हाँ, और वो हार्मोन का नाम है ADH, उसको बोलते हैं वेजोप्रेसिन या फिर वेजो कंस्ट्रिक्टर भी बोलते हैं, कंस्ट्रिक्ट करना. तो ऐसे ब्लड वेसल में से बीपी हाई रहेगा और जब हमारे बॉडी को चाहिए कि हमारा बीपी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तो एक हार्मोन है ANF नाम का, वो क्या करेगा, लूमेन को बड़ा करेगा, वेसल को क्या करेगा, डायलेट करेगा, वेजो डायलेटर, डायलेट करना, प्रेस करना. क्लियर? ब्लड प्रेशर लो होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ANF, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजो डायलेटर. एंड ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए वेजोप्रेसिन, विच इज अ वेजो ADH, विच इज अ वेजोप्रेसिन या फिर वेजो कंस्ट्रिक्टर भी, एक याद रखो अपना, वेजो कंस्ट्रिक्टर ठीक है. सो क्लियर? तो जब ADH काम करेगा तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा, फिर उसको हमारे बीपी को लो करने के लिए क्या सीक्रेट होगा? तो सिर्फ दिस साइकिल विल गो ऑन. देखो हमारे बॉडी में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आने वाला है, हमारा बीपी फ्लक्चुएट ही होते रहेगा. ऑल तो बहुत हाई ग्रोथ लो की बात नहीं कर रही हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ माय ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80, तो वो कभी 110 भी रहेगा,
कभी 130 भी रहेगा, ठीक है, ऑल द टाइम ये 120 नहीं रह सकता। और जिस समय ऐसा हो गया ना कि 24 घंटे मेरा बीपी बिल्कुल ऑल द टाइम 10 डेज 120 है, एग्जैक्टली 120, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब हम डेड, ठीक है। हाँ, इक्विलिब्रियम मीन्स वी आर डेड। हमारे बॉडी में जब भी इक्विलिब्रियम आएगा दैट टाइम वी आर डेड। इक्विलिब्रियम नहीं, हमेशा इम्बैलेंस रहना चाहिए। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज उसको कम करेगी, ये ऐसा ऐसे चलता ही रहेगा, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल। तभी हम जिंदा रहेंगे, तभी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होते रहेगा, सारे काम अच्छे से चलते रहेंगे। तो बीपी थोड़ा है होना ही है, फिर उसको लो करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म है। ब्लड शुगर थोड़ी बढ़नी है, बहुत ज्यादा बढ़ने को डिजीज बोलते हैं, डायबिटीज। लेकिन दिस इज नॉर्मल ब्लड शुगर 110 है, तो 115 तो होना ही है, ठीक है। कि हर बार तुम देखो, रोज चेक करोगे 100 टेस्ट, तुम्हारा 110 ही ब्लड शुगर नहीं आने वाला, 112 रहेगा, कभी 111 रहेगा। उसी को क्या बोलते हैं? नॉन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता ही नहीं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये वही है कि ब्लड प्रेशर हाई होने दो, थोड़ा सा लो करने के लिए है ना हमारे पास, क्या है, AMF है। फिर लो हो गया तो फिर से उसको हाई करने के लिए, तो इससे क्या रहेगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा। कि बहुत हाई भी नहीं हो सकता है, बहुत लो भी नहीं जा सकता है, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा कम ज्यादा। तो दिस इज द हार्मोन सिक्रीटेड बाय हार्ट, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, लिख लो। एंड इट इज अ वैसोडायलेटर। नाउ नेक्स्ट, हार्मोन ऑफ द किडनी। किडनी का हार्मोन है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रो इज रिलेटेड टू द वर्ड इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स ये वर्ड आप लोगों ने सुना है। इरी मतलब रेड, इरी मतलब रेड, इरिथ्रोसाइट्स मतलब RBC, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो हमारी बॉडी में ये जो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है, ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, ओके। आरबीसी जो बनते हैं वो ये हार्मोन्स की वजह से बनते हैं। इरिथ्रोपोएटिन, पोएटिन मतलब फॉर्मेशन, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, आरबीसी फॉर्मेशन। और ये हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? किडनी। सपोज किडनी का फंक्शन क्या है ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, टू फिल्टर द ब्लड। तो फिल्टर है तो हम लोग एक जाली लगा देते हैं हमारे बॉडी में जो ब्लड को फिल्टर करेगी। तो किडनी का रोल तो हो गया, बट व्हाट अबाउट दिस हार्मोन? जो हमने जाली लगाई है, फिल्टर लगाया है आर्टिफिशियल, वो क्या हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? हार्मोन तो किडनी प्रोड्यूस करेगी ना। तो इसीलिए कोई पर्सन की किडनी अगर खराब हो गई है तो दूसरे पर्सन, डोनर पर्सन का किडनी ही उसको लगाना है। ऐसा नहीं कि किडनी का काम तो क्या है, फिल्ट्रेशन का है, तो एक फिल्ट्रेशन मशीन लगा दो। ऐसा होता है, पता है, जिनमें जिनकी किडनी खराब होती है ना, एक मशीन आता है, डायलिसिस मशीन, ये डायलिसिस मशीन होता है। ये मशीन में क्या करते हैं, जिस पर्सन का किडनी खराब है, वर्क नहीं कर रहा है, उसका ब्लड ये मशीन में पास ऑन करते हैं। यहाँ पे वो ब्लड फिल्टर होता है, ओके, ब्लड फिल्टर होता है ये मशीन में, यूरिन निकल जाता है ब्लड में से, और प्योर ब्लड फिर से रिटर्न बैक कर देते हैं। यहाँ पे इम्प्योर ब्लड जिसमें यूरिन है, यहाँ पे यूरिन निकल जाती है ये मशीन में से बाहर, और प्योर ब्लड पर्सन को वापस चला जाता है, ठीक है। काम तो हो गया ना किडनी का, ये पर्सन की किडनी काम नहीं कर रही है, तो इसका पूरा ब्लड कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया? मशीन में डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पे वो ब्लड फिल्टर हो गया, यूरिन निकल गया ब्लड में से, और प्योर ब्लड पर्सन को मिल गया। काम तो हो गया ना, किडनी का काम कौन कर रहा है? डायलिसिस मशीन कर रही है, बट दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, जब तक ये पर्सन को दूसरे डोनर की किडनी नहीं मिल रही है तब तक है ये। क्यों? क्योंकि ब्लड, ये यूरिन फॉर्मेशन का काम होता रहेगा, ब्लड फिल्टर होता रहेगा, बट वॉट अबाउट दिस हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन? ये हार्मोन थोड़ी है डायलिसिस मशीन बना सकती है। फिर ये पर्सन के बॉडी में आरबीसीज कैसे बनेंगे? आरबीसी नहीं बनेंगे ना, किडनी नहीं है, किडनी वर्क नहीं कर रही है उसकी, तो राइट। तो डायलिसिस मशीन जो है वो टेम्पररी है, टेम्पररी, तो वो टेम्पररी फिल्टर कर देगी। जब तक उसको पूरे दूसरे डोनर की किडनी नहीं मिल रही है तब तक डायलिसिस मशीन पे उसको रख सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते, राइट। क्योंकि डायलिसिस मशीन कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करने वाली,
तो किडनी यहाँ पे दो काम करती है ना, ब्लड को फिल्टर करना और ये हार्मोन सीक्रेट करना, राइट। तो किडनी का हार्मोन है इरिथ्रोपोएटिन। एंड लास्टली बाद में लिखो, मैं ये हार्मोन जीआई ट्रैक के हार्मोन बता देती हूँ। देयर आर फोर हार्मोन सीक्रेटेड बाय जीआई ट्रैक। अब जीआई ट्रैक मतलब क्या, जीआई ट्रैक मतलब ये इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन, देन कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम एंड अनस। तो ये जो ट्रैक है इसको बोलते हैं जीआई ट्रैक, शॉर्ट में जीआई ट्रैक बोलते हैं, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, इट इज रिलेटेड टू फूड डाइजेशन। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्रीटिन, सिक्रीटिन हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट होता है, तो यहाँ पे एचसीएल सिक्रीट होता है ना, तो एचसीएल को ज्यादा सिक्रीट होना चाहिए, कम सिक्रीट होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, सिक्रीटिन। देन गैस्ट्रिन भी होता है यहाँ पे सिक्रीट, सिक्रीटिन एक्चुअली पैनक्रियाज में भी होता है, ठीक है। देन कोलेसिस्टोकाइनिन एक है, कोलेसिस्टोकाइनिन, जो जब भी ये वर्ड आएगा ना कोलेसिस्टो, इसका मतलब होता है गॉल ब्लैडर। बताओ गॉल ब्लैडर कहाँ है आपका, लीवर है यहाँ पे गॉल ब्लैडर नाम का एक बैग है, तो ये हार्मोन यहाँ पे काम करता है, ठीक है। सिक्रीटिन मोस्टली पैनक्रियाज पे काम करता है, पैनक्रियाज, ठीक है। गैस्ट्रिन मोस्टली स्टमक को बोलता है कि एक्सेल सिक्रीट करो। कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर बाइल जूस के सिक्रीशन में हेल्प करता है। एंड लास्टली ये तीनों को रोकने के लिए, देखो ये तीनों सिक्रीट होते जाएंगे तो पैनक्रियाटिक जूस बहुत बनेगा, एक्सेल बहुत बनेगा, बाइल जूस बहुत बनेगा, बट इसको इनको रोकने वाले, ये जूसेस बनते ही रहेंगे तो बराबर नहीं है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बनना है, और बहुत सारे बने तो क्या होगा, बहुत सारा एसिड बन जाएगा, बहुत सारा बाइल जूस बन जाएगा, तो वो बहुत सारा भी काम का नहीं है ना, तो इन तीनों को रोकने वाला भी कोई चाहिए ना। हॉर्मोन्स में हमने क्या देखा, ग्लूकोगन अगर शुगर बढ़ाता है तो इंसुलिन उसको कम करता है, एडीएच अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है तो एएनएफ क्या करता है, कम करता है। तो ये अगर तीनों गैस्ट्रिक जूसेस को ये कर रहे हैं, स्टिम्युलेट कर रहे हैं कि बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट हो जाए, तो एक हार्मोन ऐसा है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये हार्मोन क्या करेगा बोलो, इनहिबिट करेगा किसको, इन तीनों को। जूसेस सिक्रीट होने चाहिए ना, डाइजेस्टिव जूसेस, बट ज्यादा भी नहीं सिक्रीट होने चाहिए, राइट। जितना काम है, जितना फूड को डाइजेस्ट करना है, उसमें ज्यादा ओवर सिक्रीट होके क्या करना है, तो इन तीनों का रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा, थोड़े थोड़े जूसेस यहाँ पे सिक्रीट हो जाएंगे, तो ये हार्मोन क्या करेगा, उनको स्टॉप करता है, ये स्टॉप करने वाले हार्मोन है। नाम क्या है देखो, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो देयर आर फोर हार्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक, ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों क्या करते हैं बताओ, फर्स्ट थ्री हॉर्मोन्स गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, वेयर एज दिस हॉर्मोन स्टॉप सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। इरिथ्रोपोएटिन क्या करते हैं बताओ, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एंड एएनएफ क्या करता है बताओ, लो करता है, क्योंकि ये क्या है, वेसल को डायलेट करता है, इट इज अ वेजो डायलेटर, लिख लो। तो लास्ट पार्ट इज रिमेनिंग।